इसी कड़ी में सेक्टर 10 की पार्षद और भिलाई जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सुभद्रा सिंह द्वारा भी अपने वार्ड सहित अन्य क्षेत्रों में ध्वजारोहण किया गया। सुभद्रा सिंह ने उपस्थित लोगों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व भिलाई क्षेत्र में पूरे हर्षोल्लास और विविध आयोजनों के बीच मनाया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सभी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी क्षेत्रों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी कड़ी में सेक्टर 10 की पार्षद और भिलाई जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह द्वारा कई क्षेत्रों में ध्वजारोहण किया गया। इसी के तहत सुभद्रा सिंह ध्वजारोहण करने सेक्टर 10 मार्केट पहुंची और वीर शहीदों के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उपस्थित लोगों द्वारा भारत माता की जयकारे के नारे लगाए गए। इस अवसर पर सुभद्रा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज़ादी का महोत्सव तो हम हर साल मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष में दो बार किया जाता है, 26 जनवरी को भी रहता है, 15 अगस्त को भी रहता है। निश्चित तौर पर आज का दिन हम हमेशा याद रखते हुए इस पर्व को मनाते हैं और आज तो 75वीं वर्षगांठ है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए गर्व की बात है और इस पल को हम आज यहाँ पे भागीदार बने हैं आज इस 15 अगस्त के। तो निश्चित तौर पर सभी को, हमारे मार्केट वासी को, जितनी भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, हमारे जितने भी भाई हैं जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और निश्चित तौर पर इस आज़ादी को याद करते हुए यही कहना चाहूँगी मैं कि एक साथ भाईचारा के साथ रहें, कोई धर्म के बारे में बात ना हो, जाति के बारे में बात ना हो, विकास के बारे में बात हो, और सभी युवा और सभी लोग मिलजुल के एक साथ हर धर्म के लोग रहें। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को मिष्ठान और चॉकलेट का वितरण मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। साथ ही भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की सभी ने शपथ ली। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।